आज मेरे पास एक ऐसी रेसिपी है जो मतलब कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है और इसको लेके काफ़ी सारे लोगों को पैसे मिले भी हैं। अगर आपकी डिलीवरी 30 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाती है तो यू क्लेम मनी फॉर दैट। येस, आई एम गोना मेक पिज्ज़ा टुडे। तो चलिए बनाते हैं पिज्ज़ा। टॉपिंग आपकी फेवरेट इंग्रेडिएंट हो सकती है, बट यूजुअली पिज़्ज़ा जब जितना हिस्ट्री बताता है कि पिज़्ज़ा बना था 3 कलर से, इसीलिए एक इटली जो कंट्री है उनके फ्लैग में 3 कलर्स हैं, वो 3 कलर रिप्रेजेंट करते हैं उनके पिज़्ज़ा के कलर्स को। यस, बेस होता है वाइट कलर का, उस पे सॉस होता है रेड कलर का, और ऊपर होता है बेजल का जो लीफ होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो दे हैव ऑल द 3 कलर्स इन देयर फ्लैग। आज का मेरा जो पिज़्ज़ा है वो नो ईस्ट है, मतलब इसमें ईस्ट नहीं रहेगा और ये बेक भी नहीं होगा, ये पैन के ऊपर पकाया जाएगा। तो अगर ईस्ट नहीं है तो इसमें कुछ तो ऐसा डालना पड़ेगा जो इसकी लीवनिंग, मतलब जो इसको राइज करने में हेल्प करे। एक है बेकिंग पाउडर, इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, ये इसको राइज होने में मदद करेगा। उसके बाद जाएगा सॉल्ट और लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल। बस इसको कर लेना है हाथ से थोड़ा मिक्स। अभी इसमें जाएगा पानी, पिज्ज़ा का डो ज़्यादा टाइट नहीं होता है, हमें एक सॉफ्ट डो जैसा बनाना है। इसको अच्छे से नीड कर लीजिए। एक बार जो इतना सॉफ्ट हो गया, ये थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहा है, देखिए। अभी इसके ऊपर डो को उठा के नीचे थोड़ा सा ऑयल और प्लेस करना है, देन डो के ऊपर लिटिल बिट ऑफ ऑयल। ऑयल इसलिए ताकि डो का मॉइस्चर उड़ ना जाए, और हम लोग इसको हमें इसको कवर करके भी रखना है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। मिनिमम 20 से 25 मिनट रेस्ट करा देंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। क्योंकि हम ये पिज़्ज़ा ओवन में नहीं डाल रहे हैं तो जो भी वेजिटेबल्स हैं हमें इन्हें यही पैन पे थोड़ा सौते करके उसके बाद टॉपिंग में डालना पड़ेगा, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। नेक्स्ट जाएगा इसमें लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। लिटिल बिट क्यों? क्योंकि ये पिज़्ज़ा टॉपिंग के साथ जाएगा और टॉपिंग में चीज़ भी रहेगा, सो वहाँ पे ऑलरेडी सॉल्ट होगा चीज़ के अंदर। अब बनाएंगे सॉस, और सॉस बनाने के लिए फिर से ऑयल। ऑलिव ऑयल इज़ बेस्ट फॉर पिज़्ज़ा। नेक्स्ट इसमें जाएगा गार्लिक, नेक्स्ट इसमें जाएगा अनियंस, इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। और कुक होने देना है लो हीट पे। अब इस स्टेज में यहाँ पे जाएगा टोमेटो प्यूरे। देते हैं इसको एक अच्छा सा मिक्स। पिज़्ज़ा का जो सिग्नेचर रेड कलर है वो इसी से आता है, सारी फ्लेवरिंग इससे आती है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून, पकड़ लीजिए, शुगर। शुगर क्यों जाएगा? क्योंकि इसका जो खटास है उसको मैच करने के लिए शुगर इम्पोर्टेंट है, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए शुगर इम्पोर्टेंट है।
हर खट्टी चीज़ में थोड़ी सी चीनी और हर मीठी चीज़ में थोड़ा सा जो नमक होता है वो फ्लेवर को एनहांस करने के लिए होता है। साइड बाय साइड हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट, कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये कंसिस्टेंसी, ये क्योंकि टमाटो है तो ये जब पक जाएगा और जब ठंडा होने लगेगा तो इस थिकनिंग और हो जाएगी, तो इसीलिए इसको यही स्टेज पे कुक करना मतलब बंद करना बहुत इम्पोर्टेंट है गैस। अभी एक मार्बल टॉप या ग्रेनाइट टॉप लेना है, उसके ऊपर थोड़ा फ्लावर डस्ट कर लेना है। नेक्स्ट ये जो आपका डो है इसको उठा लेना है और जितना रिक्वायर्ड है, देखो एक अच्छा सा स्ट्रेच इसमें आ गया है। हाथ से थोड़ा इसको रोल कर ले ताकि एक शेप पकड़ लेगा वो। नेक्स्ट अभी इसको स्ट्रेच करना है, ऐसा घुमा घुमा के इसको स्ट्रेच करेंगे। यूजुअली पिज्ज़ा को रोल नहीं किया जाता रोलिंग पिन से, पिज़्ज़ा हाथ से ही फैलाया जाता है। अब फोक से यू हैव टू प्रिक इट, नहीं तो वो फूल जाएगा पूरी की तरह, एंड यू डोंट वॉन्ट योर पिज़्ज़ा वो पूरी की तरह फूल जाए, तो ये फोक से बस ऐसे प्रिक कर देना है। अब करेंगे पैन ऑन एंड इसके ऊपर ऑलिव ऑयल। उसके बाद ये जो पिज़्ज़ा हमने रोल आउट किया था बेस, उसको लेके डालना है पैन पे। ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसको अवन में नहीं पकाएंगे, हम लोग इसको पैन में पका रहे हैं, तो ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एक साइड से कुक होना चाहिए। वंस ये पिज़्ज़ा जो बेस है वो थोड़ा यहाँ पे जो स्वेलिंग है थोड़ा स्वेलिंग दिखना चालू हो जाए, ये नाउ इसको कर देना है फ्लिप। फ्लिप कहाँ पे? यहाँ पे पिज़्ज़ा के बेस के ऊपर सबसे पहले जाता है उसका सॉस, जो सॉस हमने बनाया था उसको सेंटर में रखना है। ओवर किसी भी चीज़ को ओवर क्राउड नहीं करना, सॉस को ऐसे साइड से थोड़ा जगह रख के फैलाना है, क्योंकि हमने चंक्स यूज़ किए थे, ये फाइन पेस्ट जो आप यूजुअली सॉस मार्केट में मिलता है वो नहीं है, ये हमने यहाँ पर लाइव बनाया, तो इसमें चंक्स हैं जो आपके गार्लिक और अनियन के चंक्स हैं, वो आपके पिज़्ज़ा को और फ्लेवरफुल बनाएंगे। अब जाएगा इसमें चीज़, मेरे पास ये प्रोसेस चीज़ है तो मैं ये डाल रहा हूँ, आपके पास अगर मोजरेला है तो प्रोसेस के साथ थोड़ा मोजरेला भी डाल दीजिए, उसमें जो स्ट्रेच आप ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे डालेंगे जितने सारे आपने जो कैप्सिकम जो आपने कॉर्न और ये सब रखा था सॉटे करके, वो सब डालना है, एकदम से स्प्रेड कर दीजिए आराम से। पिज़्ज़ा एकदम कलरफुल, येलो रेड ग्रीन सब कलर। अब इस पे जाएगा मशरूम्स, ये सॉटेड मशरूम्स हैं, पिज़्ज़ा में थोड़ा नीचे चीज़ डालना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी टॉपिंग जो है वो ऊपर से दिखेगी तो आपको पिज़्ज़ा और कलरफुल लगेगा और फ्लेवरफुल भी लगेगा। इसमें थोड़ा सा गार्लिक चंक्स मैं ऐड कर रहा हूँ, रॉ गार्लिक चंक्स, उससे मेरे हिसाब से थोड़ा सा अच्छा फ्लेवरिंग आता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ इसके ऊपर,
जो आपने वेजिटेबल डाला था सबके ऊपर, जस्ट लिटल बिट, क्योंकि वो मेल्ट करके एक बहुत बढ़िया सा फ्लेवर जनरेट करेगा। नाउ ड्राइड ऑरिगेनो, जिसके पास फ्रेश ऑरिगेनो है वो यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश ऑरिगेनो भी बढ़िया जाएगा। पैन मीडियम फ्लेम पे और ऑयल ड्रिजल कर ले, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल बेस पे थोड़ा सा फैला के। अभी जो पिज्ज़ा हमने रेडी किया था इसको पैन के अंदर, अभी एक साइड हमने ऑलरेडी पका लिया था, दूसरे साइड को पकना है। एक साइड हमने लाइटली पकाया था, तो ये पिज्ज़ा जब 15 मिनट के बाद निकलेगा इसमें से पैन से, तो एकदम से अच्छे से पक गया होगा, चीज़ भी मेल्ट हो गया होगा। बनाइए डिलीशियस सा पिज्ज़ा अपने घर पे भी और अपनी फैमिली को खिलाइए, और मुझे रिव्यू देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वो जो रेड वाला बटन नीचे है सब्सक्राइब का और उसके साइड में एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको कंटिन्यूअसली ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच।